सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं रफीदीन रफीक आपसे मुखातिब हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से शहर औरंगाबाद में संवाद के नाम से पार्टी कारकुनान के लिए सिडको के सागर लॉन्च में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इफ्तिताह सुबह 11 बजे हुआ। रामहरि रूपनवार MLC, ज़िला अध्यक्ष MLA अब्दुल सत्तार, शहर अध्यक्ष नामदेवराव पवार, डॉक्टर कल्याण काड़े, सरोजरी मसलगे पाटिल, किरण काले, योगेश मसलगे पाटिल, डॉक्टर पवन डोंगरे व दीगर पार्टी लीडरान स्टेज पर मौजूद थे। संवाद में लीडरान ने पार्टी वर्करान से किस तरह काम किया जाए पर अपने तफसीली ख्यालात का इजहार किया। पेशे खिदमत है इस संवाद प्रोग्राम की झलकियाँ। अनुसार हमारे कार्यकर्ता को हमारे कार्य पार्टी का इतिहास, पार्टी की विचारधारा और पार्टी की 60 वर्ष की उपलब्धि था और BJP गवर्नमेंट का फेल्यूर, स्टेट गवर्नमेंट का फेल्यूर और संगठन के बारे में प्रशिक्षण देने के वास्ते ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम हर एक जिले में लगातार शुरू है। 22 अक्टूबर से शुरू है। आज मराठवाड़ा का लास्ट कार्यक्रम औरंगाबाद में था। अभी 12 तारीख से विदर्भ खाली रह गया है और विदर्भ में 12 से 22 तक विदर्भ कंप्लीट किया जाएगा। अपने कार्यकर्ता को, अपने सेना को प्रशिक्षित करना ये सेनापति का फर्ज रहता है और चुनाव के पहले अपने अपने कार्यकर्ता को सब जानकारी देके चुनाव के लिए तैयारी करने का और उसको ज्ञान देने की जरूरत होती है, वो देने के लिए ये प्रशिक्षण का आयोजन किया है। ये पार्टी का अंदरूनी कार्यक्रम है। पार्टी के दो कार्यक्रम रहते हैं, एक जनता के लिए और एक पार्टी के कार्यकर्ता के लिए। ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के लिए। कार्यकर्ताओं को तैयार करने में कितने कामयाब रहे हैं आप? हम का बहुत होश आता है। जितना इतिहास है, पहले इतिहास हम भाषण से देते थे, अब PPT से और चित्र से और पिक्चर दिखा कर देख रहे हैं। हमारे इतिहास में जिसने जिसने योगदान दिया, हमारे महापुरुषों का और हम पर जो जो हमले हो रहे उसका जवाब भी इसमें देने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें कार्यकर्ता में बहुत जान आ गई है, उसके बहुत मालूमत हो गई है और वो अगले चुनाव में इसका उपयोग करके कांग्रेस को जिता देगा। तो मतलब आप अपनी जो है काम से मुतमईन हैं? काम से मुतमईन हैं और हम हमारे विचारधारा के बलबूते पर सही चल रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है कि दुनिया में सबसे अच्छी विचारधारा हमारी पार्टी की है। हम लोगों को समझाएंगे, लोग समझ जाएंगे, हमें ही वोट देंगे और हमें जिता देंगे और आने वाली सरकार में हमारी सरकार जरूर आएगी, ऐसा हमें लगता है।